हेलो एवरीवन, नमस्ते सब लोगों को. वेलकम टू डिसीज लर्निंग. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ए लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारा कमेंट्स बहुत दिन से आप लोग कर रहे थे, मैं आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई. नाउ मैं सारा कमेंट्स का जो है रिप्लाई भी करूंगा और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट डाउट कि RICEE का एग्ज़ाम कब होगा, RICEE का स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम. तो वो सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट मस्ट यू शुड वॉच, ओके, मस्ट वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, बिकॉज बहुत सारा चीज़ जो है आपका, बहुत सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. सबसे पहला चीज़ कि RICEE का एग्ज़ाम कब होगा. RICEE का एग्ज़ाम हर साल जून या जुलाई में होता है. तो पहले जून में ही होता था, लास्ट लाइक लास्ट ईयर जून 16 को हुआ था. उससे पहले, उससे 2 साल तक जो है जुलाई में हो रहा था. एंड उससे पहले जब से RI हुआ था, जून के महीने में मोस्टली एग्ज़ाम होता है. तो मोस्ट प्रॉबली इस बार भी RICEE का एग्ज़ाम जून के महीने में होगा. तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास अभी कितना टाइम है. अभी नवंबर, मैं वीडियो बना रहा हूँ, नवंबर 6 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ. तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम है. एंड दिस मच टाइम इज एनफ फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम. अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हो तो 7 से 8 महीना में आप सिलेबस को 2 से 3 बार कवर कर सकते हो. एंड दिस लाइक दिस मच टाइम इज एनफ फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम. बहुत सारे बच्चे तो फरवरी मार्च में ज्वाइन करके, इवन अप्रैल में भी ज्वाइन करके भी जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट करके भी क्लियर किए हैं. हमारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 मंथ बैच में भी, 1 महीना हमसे कोचिंग लेके भी जो है क्लियर किए हैं. तो 7 से 8 महीना बहुत ज़्यादा सफिशियंट है. तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि RICEE का एग्ज़ाम कब होगा. तो आपका जो है जून के महीने में होगा. 7 से 8 महीना आपके पास टाइम है. एंड उसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी, एक जैसे आपको बताया कि हम लोग हर साल जुलाई में RI के एग्ज़ाम के बाद एक सुपर 50 बैच स्टार्ट करते हैं जो अप टू एग्जाम डेट तक चलता है. इस बार हम लोग सुपर 50 बैच 2.0 भी ला रहे हैं, मतलब सुपर 50 सेकेंड बैच ला रहे हैं जो नवंबर 11 से स्टार्ट होने वाला है. 11 नवंबर से वो स्टार्ट होगा एंड वो अप टू एग्जाम डेट तक चलेगा. जो भी 7 से 8 महीने का टाइम पीरियड है उसमें आपको सिलेबस और 3 बार कवर किया जाएगा. एक बार फर्स्ट जो है फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा. दूसरी बार जब पढ़ाएंगे तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ जो है आपका इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग एंड थोड़ा और एलाबोरेट मैनर में पढ़ेंगे. तीसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो रैपिड रिवीजन प्लस इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग होगा. तो 3 बार सिलेबस का हमारा जो है कंप्लीट होगा नवंबर से लेके एग्जाम डेट तक. तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले RICEE एग्जाम के लिए आपको जो है फोकस्ड रहना है. बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम आपको बहुत ही कम सीट मिलते हैं, सीट बहुत कम होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट आप जो है अगर थोड़ा डाइवर्ट हो जाओगे, यूट्यूब में ढूंढते रहोगे या मार्केट में जाके बहुत सारा बुक्स ढूंढोगे, बहुत सारा किस सोर्सेस से पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत होगा. यू शुड डेफिनेटली लिमिट योर सोर्सेस. तो उसके लिए हमने कुछ बुक्स बनाया जो आपको पता होगा ऑलरेडी. ये है RICEE का जो है टीचिंग एप्स का बुक, जो हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बनाया था. और ये हमारा जो है वो स्टडी मटेरियल का तीसरा एडिशन है. इससे पहले हम 2022 में एक बुक बनाए थे, थोड़ा जो है रिवाइज एडिशन हमारा 2023 में लॉन्च हुआ था, जो 2024 के एग्जाम में के लिए काम में आया. और 2024 में क्योंकि न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें 3 टॉपिक और ऐड हुए, तो इसलिए उन 3 टॉपिक को हमने इस बुक में कवर किया है. सब कुछ जो है इसमें है. तो इसका मैंने पूरा स्टडी मटेरियल का मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है. आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हो. आप पिन कमेंट में भी हमारा डिटेल स्टडी मटेरियल का वीडियो दे दूंगा. तो यहाँ पे देखो आप पूरा कंटेंट है जो जो ऑफिशियल सिलेबस में है उसका जो है पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये टीचिंग आपका बुक है. तो जिसको नहीं पता पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ. RICEE के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश प्रोफिशंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी. बस आपको ये 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है अच्छी तरह से, बेस्ट जो है आपको वे में पढ़ना है. और हम डिजिटल लर्निंग टीम आई एश्योर यू कि उस तरह से हमको आपको गाइड करेंगे हम लोग कि आपका डेफिनेटली 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा. उसके बाद आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा होगा. एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डिजिटल लर्निंग से पढ़ने के बाद RI में क्लियर किए हैं, या RI के बारे में उनको पता भी डिजिटल लर्निंग के थ्रू है. आप अगर किसी भी RI में जाकर रिसर्च करोगे, पता करोगे कि कितने बच्चे डिजिटल लर्निंग से हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है मैं इतना डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आपको 60-70% स्टूडेंट डेफिनेटली हमारे यहाँ से
जो है रेफर करके हमें हमारे यहाँ से कोचिंग लेके, हमारे यहाँ से स्टडी मटेरियल लेके, या फिर हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज लेके या यूट्यूब से गाइडेंस लेके वहाँ पढ़ रहे होंगे 100%, या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप किसी भी आर्य में विजिट करोगे तो। तो तीन सब्जेक्ट है, एक तो टीचिंग एप्ट हो गया, तीनों सब्जेक्ट का बुक हमारे पास है। एक दूसरा बुक है इंग्लिश प्रोफिशंसी, ठीक है, ये भी हमारा रिवाइज एडिशन है। इंग्लिश प्रोफिशंसी में चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस में, जो पहले चलता था वही सिलेबस है, तो हमारा रिवाइज एडिशन बुक है। ये तीसरा एडिशन है क्योंकि इसमें चेंजेस आया है ये, लेकिन रिवाइज एडिशन है जो 2024 में जिनके पास जो बुक था यही बुक 2025 में भी काम में आएगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं आया, बस टीचिंग एप्टीट्यूड में चेंजेस है। और जो हमारा तीसरा बुक है वो है रीजनिंग एबिलिटी का बुक। तीन सब्जेक्ट है तो तीन टेक्स्ट बुक हमने बनाए हैं, और इन तीनों बुक में हर एक बुक में आपको 600 से ज़्यादा MCQ मिलेंगे। तो कॉम्बाइनली अगर देखा जाए तो आपको तीनों बुक में 1800 से ज़्यादा MCQ मिलेंगे, ठीक है, इन तीनों बुक में आपको 1800 से ज़्यादा MCQ मिलेगा। और अगर ये तीन बुक आप Amazon के थ्रू या लाइक वेबसाइट के थ्रू परचेज करते हो तो द प्राइस विल बी लाइक 1100 और 1200 रुपीज़। बट अगर आप इन तीन बुक को डायरेक्टली परचेज करते हो, डायरेक्टली फोन पे या गूगल पे के थ्रू डायरेक्ट पहले पेमेंट करके ऑर्डर करते हो, तो आपको ये तीनों बुक ओनली 1000 रुपी में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी अमेजोन पे या वेबसाइट पे लेने से थोड़ा जो प्लेटफॉर्म फी लगता है तो उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 100 या 200 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और बुक है, जैसे प्रिपेरेशन स्ट्रैटेजी में सिर्फ थ्योरी और MCQ को प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, मतलब थोड़ा आपको टेस्ट सीरीज का भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, आपका मार्क्स कितने हो रहे हैं। क्योंकि देखो RICW एग्जाम का अगर हम लोग बात करेंगे तो इस एग्जाम में 80 MCQ आता है, 80 MCQ, हर एक MCQ का जो फुल मार्क होता है 2 मार्क्स होता है, माइनस मार्किंग भी होता है, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 0.5 जो है आपका माइनस हो जाता है। इसीलिए आपको जो अपना लेवल चेक करना चाहिए कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि कट ऑफ 100 से 110 के बीच में जाएगा या उससे ज़्यादा जा सकता है। मिनिमम आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे कि आपका सिलेक्शन का चांस आने के लिए या वेटिंग लिस्ट में इवन आने के लिए, 110, 120 जितना ज़्यादा लाओगे उतना सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो मिनिमम तो 100, 110 तो चाहिए। इवन कुछ कुछ स्टेट्स में जैसे कि ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में कट ऑफ 120, 130 तक भी जाते हैं। तो स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी करता है, बिकॉज इट इज़ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही एग्जाम होता है, बट कट ऑफ वेरी करता है, जिस चीज़ की वजह से आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेरेशन करना पड़ेगा एंड आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। तो डिजिटल लर्निंग के स्टडी मटेरियल कंप्लीट प्रैक्टिस करने से आपको जो है ये 120, 130 मार्क्स लाना ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम इसके साथ आपको एक और बुक प्रोवाइड करते हैं, दैट फोर्थ बुक इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद आंसर की एंड सोल्यूशन है। और इन 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको OMR sheet भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप जो है OMR, क्योंकि RICW का एग्जाम ऑफलाइन होता है, तो इस OMR sheet से आप जो है बबलिंग करके प्रैक्टिस करने से टाइम लिमिट के अंदर, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे के अंदर आपको एक एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो हम ऑफलाइन इस बुक में 10 टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है। अगर और भी आप लेना चाहते हो तो आप जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल में क्या किया मैं बता देता हूँ। इसमें देखो 3 बुक है, उसके अलावा ये 4th बुक है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का बुक है, और उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए OMR है। और इसके साथ साथ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है ना, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना जरूरी होते हैं। तो हम इसके साथ साथ आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है इस बुकलेट में प्रोवाइड करते हैं। जो बुकलेट है इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना होता है। तो जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, ये जो 3 बुक है वो सबके लिए सेम है, क्योंकि इट इज़ ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एवरीवन, सेम सिलेबस इज देयर, बट क्वेश्चन लेवल हर एक एग्जाम में, हर एक लेवल में अलग अलग होते हैं। आपको पता होगा RIE में 3 लेवल होता है, Level 1, Level 2, Level 3। Level 1 जो होता है वो 12th pass out बच्चों के लिए होता है, Level 2 जो होता है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट बच्चों के लिए होता है जो BEd करना चाहते हैं, और Level 3 जो BEd कर चुके हैं MEd करना चाहते हैं उनके लिए होता है। तो ये जो 4th बुक है वो सबके लिए अलग होगा, Level 1 के लिए अलग, Level 2 के लिए अलग, Level 3 के लिए अलग, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग जो क्वेश्चन रहते हैं, तो वो है। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल में क्या रहता है, जैसे मैंने आपको Level 1 का दिखाया, Level 2 के लिए इस तरह से अलग बुक मिलेगा, ये Level 2 का है, सिमिलर Level 3 के लिए भी मिलते हैं। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल में आपको ये सब चीज़ मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द कंप्लीट थिंग्स जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक जो है यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक मिलेगा, रीजनिंग एबिलिटी का बुक मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट मिलेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का बुक मिलेगा, और लास्ट में एक OMR sheet। तो दिस कंप्लीट स्टडी मटेरियल इज कॉस्टिंग
₹1500, इसका जो कॉस्ट है ₹1500, डायरेक्ट आप ले सकते हो, सारे बुक्स कंप्लीट पैकेज आप ले सकते हो, ₹1500 इसका प्राइस है। ठीक है, अगर खाली ये बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लेना चाहते हो, खाली 3 बुक लेना है, तो इसका प्राइस 1000 है। बट आई रिकमेंड कि आप ये सारा बुक्स लेके पढ़ाई करो, बिकॉज इससे आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज योर इफ एनीवन वांट्स टू लाइक ज्वाइन द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो अगर आप ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल पैकेज लेते हो, तो इसके साथ साथ हम आपको क्या करेंगे, ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल पैकेज जिसमें आपको क्या क्या मिलता है, एक सेकेंड, हाँ, जिसमें आपको जो है 3 बुक के साथ ये सब चीज़ मिलता है। इस ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल पैकेज अगर आप लेते हो, तो इसमें आपको हम 50 मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें हर एक बुक पे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री लिखा है। तो यहाँ पे 3 बुक का 30 हो गया, ये सेक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इस पे तो 10 टेस्ट है, इसका ऑनलाइन वर्जन भी मिल जाएगा आपको, प्लस 10 मॉक टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेने पे आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा स्टडी मटेरियल के साथ। ये 50 आपको टेस्ट जो है फ्री में मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हमारे पास लगभग 6500 क्वेश्चन है इन 160 टेस्ट हमारे पास है, जिसमें 120 सेक्शनल टेस्ट है और 40 फुल लेंथ टेस्ट है। तो अगर आपको कंप्लीट सारा टेस्ट जो है अटेंड करना है, तो इस स्टडी मटेरियल के साथ जो जो खाली टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हो, उसका प्राइस ₹800 है। जो 160 टेस्ट आपका आपको मिलता है, कंप्लीट एंटायर टेस्ट सीरीज का प्राइस ₹800 है। बट अगर कोई ये स्टडी मटेरियल लेता है, अगर स्टडी मटेरियल लेते हो, तो स्टडी मटेरियल के साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो ओनली 50% डिस्काउंट हो जाता है। मतलब ओनली 400 में आपको स्टडी मटेरियल लेने के बाद आप 400 पे करते हो, तो आपको पूरा टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो 1900 पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको ₹4100 पे करने हैं, जिसमें आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगे। टोटल 5500 का जो है हमारा पैकेज है सुपर 50 बैच का। अगर आप कोई ध्रुवा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ध्रुवा बैच में जो कोर्स प्राइस होगा वो रहता है आपका ₹4000। ध्रुवा बैच का जो कोर्स प्राइस है, ध्रुवा बैच 2.0 उसका कोर्स प्राइस क्या है, ₹4000। जब वो 4 महीने का बैच होता है, सुपर 50 बैच 8 महीने का होगा, ध्रुवा बैच 4 महीने का होगा। तो अगर आप सुपर 50 बैच ज्वाइन करते हो, तो आपको जो है 3 बार सिलेबस कंप्लीशन होगा। ध्रुवा बैच ज्वाइन करते हो, तो आपको 1 बार सिलेबस कंप्लीशन होगा और आपको जो है रैपिड रिविजन मिलेगा। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड आप सुपर 50 बैच ज्वाइन करना। बट कोई अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्रुवा बैच में आपको 4000 लग रहा है इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल, तो उसका ऑनलाइन क्लासेस का प्राइस 2000 है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का एंड ऑनलाइन जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल का प्राइस मिला के टोटल 4000 है। तो बाकी जो 3-4 महीना रहता है, उसके लिए पर मंथ जो है ₹500 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप अगर 5500 पे करते हो, तो आपको नवंबर 11 से लेके अप टू एग्जाम डेट तक का पूरा जो है प्रिपरेशन का सपोर्ट मिलेगा। और हर एक स्टेज पे हम आपको गाइड करेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ का गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। प्लस हमारा जो सुपर 50 बैच के स्टूडेंट्स होंगे, उनका एक डाउट डिस्कशन ग्रुप है, तो आप कभी भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। 24/7 वो डाउट क्लियरिंग ग्रुप ओपन रहता है। जब भी कभी भी आपका डाउट होता है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन जो है पोस्ट करने पे कोई ना कोई स्टूडेंट आपको हेल्प कर देता है, या हमारे मेंटर्स भी रहते हैं, सपोर्ट भी रहते हैं, स्टूडेंट काउंसलर भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम आपको वहाँ पे आपका जो डाउट को क्लियर करने के लिए। तो दैट्स द मेन लाइक USP बोल सकते हो डिजिटल लर्निंग का, जो 24/7 डाउट क्लियरिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो लाइव क्लासेस हमारे होते हैं, लाइव क्लासेस के टाइमिंग 8:30 से 10 PM होता है, फिक्स्ड क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा क्लासेस अगर होता है, तो वो 7 से 8:30 तक भी हो सकता है, बट एक फिक्स क्लास डेली होगा। डेली हम इतना जो है आपको एश्योर करेंगे कि 8:30 से 10 PM का जो क्लास है वो डेली होगा। उसके अलावा कभी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारा होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन कितना हुआ उसको देखते हुए एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है आपको सिलेक्शन दिलाना ही हमारा टारगेट है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस करके आपका इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग भी करते हैं। तो हो गया चीज़ें, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, लाइक डेली क्लासेस अटेंड करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, स्टडी मटेरियल से प्रिपेरेशन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग सेशन को अटेंड करना है, डाउट्स पूछना है। सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, बाकी कोई अगर खाली स्टडी मटेरियल लेके पढ़ाई करना चाहता है, तो भी आप पढ़ सकते हो। स्टडी मटेरियल में जो भी आपका जो है मतलब
क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डाउट क्लियरिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए या मुझे जो है कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, तब आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको लाइक फी पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी फी पे कर सकते हो, तो ये भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप मैंने आपका सारा जो है डाउट्स को क्लियर किया है। एंड अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, एग्जाम डेट के बारे में बता दिया, प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में बता दिया। हाँ, अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन करता है तो उसको दिन में 3 से 4 घंटे एटलीस्ट देना चाहिए। कोचिंग लेते हो तो कोचिंग तो हम 1.5 से 2 घंटे का डेली क्लास होता है, उसके अलावा और 2 घंटा सेल्फ प्रिपरेशन आप करते हो, एनअप दैट इज एनअप फॉर योर लाइक एनअप फॉर द क्लियरिंग दिस एग्जाम। उसके अलावा हम RICEE के साथ साथ और भी कुछ कुछ को जो है कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, जैसे कि NCET CVT, उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा जो है जो भी कोर्सेज का फी रहता है वो पे करके आप वो कोर्सेज को भी ज्वाइन करते हो। वो बहुत मिनिमम फी रहता है एक कोर्स ज्वाइन करने के बाद, बाकी कोर्सेज के फी बहुत मिनिमल रहता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर कुछ भी डाउट होगा तो डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो या हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड वी विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स, डेफिनेटली। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।